इस वीडियो में हम कक्षा 6 विज्ञान का अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। उसमें है नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। तो इसमें से बताना है कि कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा संश्लिष्ट है। तो इसमें से प्राकृतिक कौन कौन सा है, ऊन, रुई, रेशम और पटसन, यानी ये चार जो है प्राकृतिक है, और संश्लिष्ट दो आएंगे नायलॉन और पॉलिएस्टर। ठीक है, तो इसका उत्तर हम राइट कर लेते हैं इस तरह। ठीक है, प्राकृतिक में ये चारों राइट कर लिए और संश्लिष्ट में ये दो राइट कर लिए। उत्तर देख कर लिख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है सही गलत बताना है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो पहला कथन जो का है, तंतुओं से धागा बनता है, ये कथन सत्य है। ख, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, असत्य। ग, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, असत्य। घ, रुई से बिलौने बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सत्य। अंग, टांगों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सत्य। च, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, असत्य। छ, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, असत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थानों में सबसे पहला है क, और से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो किससे पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, रुई और पटसन से। ठीक है, ख, और जांतव तंतु हैं, ऊन और रेशम जांतव तंतु कहलाते हैं क्योंकि ये जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, रुई तथा जूट जिसे पटसन भी कहते हैं, जूट को पादप के किन भागों से प्राप्त किए जाते हैं। तो उत्तर होगा रुई जो है वो फल से प्राप्त किया जाता है, और जूट किससे प्राप्त किया जाता है, तना से। ठीक है, उत्तर राइट कर लीजिए। जो रुई है वो रुई के पौधे के फल से प्राप्त किया जाता है, और जूट जूट के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, नारियल तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम क्रम से बैग और रस्सी है। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे आइटम बनते हैं, तो आप लोग दो याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो हमें बताना है किस तरह तागा बनता है ना। तो उत्तर होगा, तंतुओं से तागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कपास के एक कुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह इस अभ्यास के सारे प्रश्नों का उत्तर हमने बता दिया। इसके आगे के अध्याय के प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।